भी देख सकते हैं, सही है, सही तरीके से आ गया है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं काफ़ी सारा पौधा मेरे पास आया है, करीब 3000 के आसपास। तो मैं आपको एक पॉट पे फूल उठा के दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं किस तरह से मेरे पास आया है। तो इस तरह का करीब 9 वेराइटी का 3000 प्लांट्स मेरे पास आए हैं, और भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आज 4 दिन हुए मेरे पास आए, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो उसी वजह से आप हमको दिखा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये भी देख सकते हैं मेरीगोल्ड, देख सकते हैं ये देख सकते हैं मेरीगोल्ड है। तो इस तरह का करीब 9 वेराइटी का प्लांट्स मेरे पास आया, मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 3000 के आसपास पौधा आया है, जिसमें से 100 के आसपास खराब हो चुके हैं, लेकिन बीच में अभी कुछ सफ़र कर रहा है और कुछ सही है और कुछ ठीक होने के तगार पे है, कुछ दिनों के अंदर ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बारिश हो रहा है हर रोज़ लास्ट 16 घंटे से कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है, तो उसी वजह से देख सकते हैं शेड के नीचे रखा हुआ है। यहाँ पे पूरा फूल था, आप देख सकते हैं पॉट का, ये देख सकते हैं यहाँ पे पॉट था, यहाँ पे पॉट था, यहाँ पे पॉट था, यहाँ पे पॉट था, यहाँ पे देख सकते पॉट था, यहाँ पे भी था, तो बिल्कुल पूरा भरा हुआ था यहाँ पे पॉट, देख सकते हैं। पर फ्रेंड्स हमने अभी उसको कुछ सेल कर देना है यहाँ से। और फ्रेंड्स कुछ हमने क्या किया है कि इस ये तो सारे हम सेल करेंगे, तो सेल करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, उसको बोरे पॉलीबैग या पॉट के अंदर शिफ्ट करने वाले हैं, नहीं तो फ्रेंड्स हम उसको सेल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी लोग इस तरह से खरीदेंगे, अगर उनके पास जाके ख़राब हो गया तो मेरा ही नाम ख़राब होगा, तो उसी वजह से हम इस तरह से कम सेल करते हैं। जो लोग किस तरह से अभी से केयर करना जानते हैं उसको सेल करते हैं, और दूसरे लोगों को हम सेल नहीं करते। हम क्या करते हैं उसको पॉलीबैग के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं, तो पॉलीबैग के हम शिफ्ट करने दिखाएंगे आपको हमने किस तरह से पॉलीबैग में शिफ्ट करते हैं और क्या अभी कंडीशन है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे लगाने के बाद हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एक बाउल लिया पानी में, जब देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं इस तरह से पेपर के अंदर रोल होके आया था, ये देख सकते सारे पेपर, यहाँ पे 3 पेटी आया था, तो 3 पेटी का पूरा रोल का देख सकते पेपर, यहाँ पे फुल जाम है, एक कैरेट देख सकते प्लास्टिक का कैरेट है ये, इसमें पूरा जाम है पेपर, देख सकते हैं पूरा फुल है, तो कितना पेपर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे विंटर सीजन का बीन का मेरीगोल्ड का 2 वेराइटी, उसके बाद हॉली हॉक, उसके बाद कैलेंडोला, एस्टार, बहुत सारी वेराइटी का मेरे पास प्लांट्स आया है। और अभी हम उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे पॉलीबैग के अंदर धीरे धीरे से, और फ्रेंड्स जितना हो सके यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं पिटूनिया भी काफ़ी 500 प्लांट्स आए हैं पिटूनिया का, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स, आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स, कुछ ख़राब है जो जहाँ पे ख़राब हो चुका है हमने यहाँ पे नीचे साइड करके रखा हुआ है। और फ्रेंड्स मेरीगोल्ड का जो है काफ़ी सारा ख़राब हुआ है, मेरीगोल्ड सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है, देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ख़राब होते हैं, देख सकते ख़राब हो चुका है, बीच में से टूट जाता है, उसके बाद ख़राब धीरे धीरे से ख़राब होना शुरू हो जाता है, देख सकते हैं, देख सकते बीच में से ख़राब हो गया, ये देख सकते बीच में से पूरा ख़राब हो चुका है ऊपर की तरफ, नीचे रूट्स आ रहा है लेकिन नया ब्रांच तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं और एक दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा फोकस करके दिखा देता हूँ, ये देखिए जब मैं उसको उठाऊँगा नीचे देखोगे आप पॉट घूमेगा, इसको चाहो तो मैं उसको घुमा सकता हूँ, बिल्कुल नीचे कुछ नहीं है, देख सकते ये एक प्लांट से देख सकते वो पॉट से उठ के आ गया है, उसको अभी हमको पॉट के अंदर लगाना है, उसको हम पॉट के अंदर लगा देंगे। और फ्रेंड्स और भी इस तरह से बहुत सारे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीन का देख सकते हैं। और फ्रेंड्स चलिए आपको दिखाते हैं हमारा जो पॉलीबैग के अंदर हमने लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं
यहाँ पे हमने जितना अभी तक हमको सही प्लांट्स मिला है हमने उसको यहाँ पे लगा दिया है। ये देख सकते हैं सारे पिटूनिया का है। और फ्रेंड्स ये 4x5 पोली बैग है, ये 4x5 पोली बैग है जिसके अंदर हमने इसको लगाया है। और फ्रेंड्स इसको लगाने का तीन दिन तो हो चुका है, जिस दिन लाया था अगले दिन हमने उसको शिफ्ट कर दिया था। देख सकते हैं 4x5 पोली बैग है जिसमें से हमने बीच में से काफ़ी सारा होल कर दिया पानी ज़्यादा ना अटके, उसके बाद हमने जस्ट पुश करके उसको लगा दिया है। देख सकते हैं किस तरह से हमने उसको लगाया है। और ये देखिए काफ़ी सही हालत है, अभी इसका ग्रोथ काफ़ी चल रहा है, नया पत्ता भी आ रहा है आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने करीब 250 प्लांट्स हमने यहाँ पे लगाए, 250 के आसपास यहाँ पे लगाया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे लगाया हुआ है जो अभी हम सेल नहीं करेंगे, हम नवरात्रि के बाद उसको सेल करेंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी सही है, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सारे प्लांट्स। वेदर काफ़ी ठंडा है उसी वजह से इसमें से एक भी प्लांट्स ख़राब नहीं हुआ, सही सारे प्लांट्स सही है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये होली हॉक है, इसमें से भी कोई भी प्लांट्स ख़राब नहीं हुआ। पानी भी काफ़ी ध्यान से देना पड़ता है, जब लगाया हुआ था तब थोड़ा सा पानी, अगले दिन थोड़ा सा ज़्यादा। और इस तरह से अगर मिट्टी भी गीला रहा तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर सूख गया तो अगले दिन और भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो उसी वजह से धीरे धीरे से हमको पानी ज़्यादा करना है। और देख सकते हैं अभी हम इस मेरीगोल्ड को लगाए, हमने दिखाया ना अभी जो प्लांट्स बीच में से टूट गया है और वो ख़राब होने के चांसेस पे था, तो उसको हमने अभी जस्ट लगा के पानी डाल दिया है देख सकते हैं। देखते आगे क्या होता है, एक भी प्लांट्स ख़राब होने का चांसेस नहीं है, देखते आगे क्या होता है। वेदर भी ठंडा है और ये देख सकते हैं सही वाला जो सही प्लांट्स था हमारा मेरीगोल्ड का, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे लगाया हुआ है आप देख सकते हैं काफ़ी सही है। और यहाँ पे है बिन का देख सकते हैं 150-250 इस तरह से करके, यहाँ पे 150 मेरीगोल्ड है F1 वेराइटी का, यहाँ पे बिन का भी है 150। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हॉली हॉक है 100 के ऊपर, 120 के पास देख सकते हैं काफ़ी सही है। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैलेंडुला भी लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैलेंडुला लगाया हुआ है। यहाँ पे जाइंट वेराइटी का क्रिसेंथमम है देख सकते हैं यहाँ पे। और फ्रेंड्स हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से हम उसको लगाते हैं थंब पॉट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पोली बैग खराब लगाया नहीं है हमने, खराब नहीं है, लगाना बाकी है इसमें। यहाँ पे करीब 7 पोली बैग है जिसमें हमने लगाना बाकी है बिन का। तो हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम लगाते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पे 2 बिन का लिया है छोटा वाला थंब पॉट के अंदर। इसका हाइट कितना होगा, 1.5 इंच के आसपास, 1 से 1.5 इंच के आसपास। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इसमें पटकेंगे उल्टा करके। यहाँ पे जब हम प्रेस करेंगे देख सकते हैं किस तरह से नीचे आ चुका है, दो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अच्छा रहता। तो देख सकते हैं अभी हम क्या करें, देख सकते हैं यहाँ पे रूट्स काफ़ी सही है, नया रूट्स आ रहा था, प्लांट सही है। तो अभी हम पोली बैग के अंदर एक उंगली से एक छोटा सा होल करेंगे और उसको लेके यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको लिया और यहाँ पे आके हमने उसको रख दिया। बस रख के साइड से थोड़ा सा मिट्टी प्रेस कर देना है, ख़त्म, और कुछ नहीं। ऊपर से थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, जस्ट ये वाला पौधा जो जहाँ पे रूट से वहाँ पे जस्ट थोड़ा सा पानी जा सके उतना ही, और कुछ नहीं। सेम प्रोसेस इसको भी आप दो हाथ से करिए ताकि प्लांट्स नीचे ना आ जाए। और फ्रेंड्स इसके लिए ये जो यहाँ पे जो मिट्टी है वो भी उतना ज़्यादा गीला ना हो, उसको भी ख्याल रखना, उतना ज़्यादा सूखा भी ना हो, ज़्यादा सूखा होगा तो आ जाएगा इजीली। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इसका रूट्स शायद मेरे हिसाब से साइड्स पे था इसलिए उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए, ये भी देख सकते हैं सही है, सही तरीके से आ गया है।
देख सकते हैं नीचे से रूट्स ग्रो कर रहा था, देख सकते हैं आप। तो अभी हम क्या करेंगे, उंगली से एक प्रेस करेंगे, इस पे लगाते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस उसको रख देते हैं, कुछ नहीं करना हमको, थोड़ा सा साइड से प्रेस कर देना है, फिनिश्ड। ऊपर से थोड़ा सा पानी, हमारा काम ख़त्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स कोई भी क्वारी है तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। इजी है लगाना अपने प्लांट्स को, घर पे प्लांट्स लगाइए। विंटर कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त लगाइए, 40 से 50 वैरायटी का मिलता है, दो दो करके लगाओगे तब भी काफ़ी सारा फ्लावर होगा अपने घर पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए विदा लेते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, बने रहिए हमारे साथ। बाय फ्रेंड्स।